बुद्धिमान बुढ़िया। एक नगर में राजा विक्रम सिंह राज्य किया करते थे। उनके राज्य में बहुत ही सख्त कानून था। वहाँ पर कोई भी अपराध नहीं कर सकता था। अगर कोई अपराध करता तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलती थी। साथ ही अगर अपराधी को कोई दिक्कत हो तो उसकी सजा उसके परिवार को भुगतनी पड़ती थी, जिस वजह से नगर के सभी लोग बहुत ज्यादा संभल कर रहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो राजा विक्रम सिंह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसी गांव में विमला अपने नाती सुंदर के साथ रहा करती थी। सुंदर बहुत ही शरारती और बदमाश लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद विमला ने ही उसे पाला था। विमला को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसका नाती कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए वो हमेशा उसे समझाती रहती थी। अरे सुंदर, तुझे कितनी बार कहा है कम उधम मचाया कर, तेरा उधम तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे दादी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? अगर अभी उधम नहीं मचाऊंगा तो फिर कब मचाऊंगा? ये तो मेरी उम्र है शरारत करने की। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, पर तुझे पता नहीं है राजा कितने सख्त हैं? अगर किसी ने शिकायत कर दी तो? आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे भी कानून के बारे में पता है। सुंदर अपनी दादी की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था, जिस वजह से विमला काफी परेशान रहती थी, क्योंकि उसके बेटे बहू के मरने के बाद उनकी आखिरी निशानी सुंदर ही था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से विमला दूसरों के घर पर बर्तन मांजा करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। विमला को कई सारी विद्याओं का ज्ञान था, क्योंकि उसके पिता विद्वान थे। वे काफी सारी विद्या जानते थे, जिस वजह से विमला ने भी उन्हें सीख रखा था। एक बार की बात है, विमला नदी किनारे पानी भरने के लिए गई, तभी वहां पर बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ को देखकर विमला डर गई और बचने के लिए चिल्लाने लगी, अरे कोई तो बचाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया है, अरे कोई तो बचाओ वरना ये मुझे खा लेगा। विमला की आवाज सुनकर उसका नाती सुंदर उसी तरफ भागा और उसने देखा कि उसकी दादी के पास एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने एक बड़ा सा डंडा उठाया और उस मगरमच्छ को मारने लगा, जिससे मगरमच्छ पानी में वापस चला गया। मगरमच्छ के जाने के बाद सुंदर अपनी दादी के पास आया और उसने उनसे कहा, दादी आप ठीक तो है ना? मगरमच्छ ने आपको कुछ किया तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं किया, पर तुम तो ठीक हो ना? तभी वहां से कुछ औरतें गुजर रही होती हैं। जब उन्होंने ये चीज देखी तो सीमा ने विमला से कहा, हाय राम अम्मा, तेरे पोते ने ये क्या कर दिया, मगरमच्छ को डंडे से मारा। अगर ये बात राजा को पता लग गई तो वो इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मुझे पता है, पर तुम लोगों ने देखा ना, वो मगरमच्छ मुझे हानि पहुंचाना चाहता था, इसलिए मेरे पोते ने ऐसा कुछ किया। ये बात तो आपको राजा को बतानी पड़ेगी, उन्हें क्या पता, उन्होंने कहा है ना सभी को शांति से रहना चाहिए और पशु पक्षी पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इनसे बहुत ही प्यार है। हाँ मुझे पता है, पर अगर मेरा पोता ऐसा नहीं करता तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। तुम लोग ये बात राजा तक मत पहुंचाना, तुम लोगों का मुझ पर बहुत उपकार होगा। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं ये बात राजा को नहीं बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और आपका सहारा बस ये आपका पोता ही तो है। और ये कहकर सीमा वहां से चली जाती है। पर सीमा के साथ जो मीनाक्षी होती है वो राजा को जाकर ये बात बता देती है। जब राजा विक्रम सिंह को पता लगता है कि सुंदर ने मगरमच्छ को मारा, तो राजा तुरंत विमला और उसके पोते को राज्यसभा में बुलाते हैं और विमला से कहते हैं, क्यों विमला, मैंने सुना है तुम्हारे पोते ने मगरमच्छ को डंडे से मारा, क्या ये बात सही है? हाँ राजा साहब, ये बात सही है, पर इसमें मेरे पोते की कोई गलती नहीं थी। क्या तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है?
उसने मगरमच्छ को मारा यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने मना किया है कि कोई भी पशु पक्षी पर हाथ नहीं उठाएगा? हाँ महाराज, मुझे पता है, पर अगर मेरा पोता ऐसा नहीं करता तो वो मगरमच्छ मुझे खा जाता, इसलिए उसने मजबूरी में ऐसा किया। अच्छा, ऐसी बात है। पर अगर उस मगरमच्छ को गंभीर चोट आई होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो बेजुबान है। तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब, पर मेरे पोते ने इतना तेज भी उसे नहीं मारा, वो तो बस उसे भगाना चाहता था, इसलिए उसने डंडे से हटाया। पर मुझे पता लगा है कि मगरमच्छ गंभीर रूप से घायल हुआ है और वो मरण अवस्था में चला गया है। पर यह बात आपको किसने बताई महाराज? क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, वहाँ पर सिर्फ दो ही औरतें थी जिन्होंने बस इस चीज को देखा था, बाकी मगरमच्छ को कितनी लगी ये तो किसी ने भी नहीं देखा। मुझे ये बात मीनाक्षी ने बताई है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं अभी मीनाक्षी को बुलाता हूँ। और इसके बाद मीनाक्षी को भी राज्यसभा में बुलाया जाता है। सुंदर अपनी दादी के पीछे खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था, वो कभी भी इस तरह राजमहल में नहीं आया था। मीनाक्षी राज्यसभा में आती है तो राजा विक्रम सिंह मीनाक्षी से कहते हैं, क्यों मीनाक्षी, विमला तो कह रही है कि मगरमच्छ को ज्यादा चोट नहीं आई है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मगरमच्छ को गंभीर चोट लगी है? मैंने अपनी आंखों से देखा है राजा जी, मगरमच्छ काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उस नदी पर जाकर देख ले। ठीक है राजा जी, अगर मीनाक्षी कह रही है तो आप नदी पर किसी को भेजकर उस मगरमच्छ को यहाँ पर मंगवा लीजिए, अगर उसे चोट आई होगी तो आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। ठीक है, अगर तुम दोनों यही कह रही हो तो मैं उस मगरमच्छ को अभी बुलाता हूँ। और ये कहकर राजा अपने दो सैनिकों को नदी के किनारे भेजते हैं। वो दो सैनिक नदी के किनारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें दो मगरमच्छ दिखाई देते हैं, जिसमें एक मगरमच्छ काफी घायल होता है और दूसरा मगरमच्छ थोड़ा घायल होता है। उन दोनों मगरमच्छ को देखकर वो सैनिक काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किसको लेकर जाएं, और इसीलिए वो दोनों मगरमच्छ को ले आते हैं। जब राजा दो मगरमच्छ को देखते हैं तो सैनिक से कहते हैं, अरे तुम इन दोनों मगरमच्छों को यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हें तो किसी एक को ही लाना था। हाँ राजा जी, मुझे पता था, पर इनमें से एक बहुत ज्यादा घायल है और एक को छोटी सी चोट है, तो हमें समझ नहीं आया इसलिए दोनों को ले आए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया। इसके बाद राजा विक्रम सिंह ने विमला से कहा, देखो विमला, ये मगरमच्छ वो है जिसे सुंदर ने डंडा मारा, ये देखो कितना घायल है और इसके मुंह और पैरों से खून निकल रहा है। ये सुनकर विमला उस मगरमच्छ को ध्यान से देखने लगती है जो काफी ज्यादा घायल था। ये देख विमला काफी हैरान होती है क्योंकि उसे याद है सुंदर ने सिर्फ मगरमच्छ को पीठ पर मारा था, और ये देखकर वो राजा को कहती है, राजा जी, यह वो मगरमच्छ नहीं है जिसे सुंदर ने मारा था, क्योंकि सुंदर ने उसे पीठ पर मारा था, जबकि इस मगरमच्छ के तो मुंह और पैरों से खून निकल रहा है, किसी और ने इसे मारा है। क्या, पर यह कैसे हो सकता है? क्यों मीनाक्षी, क्या यही वो मगरमच्छ है जिसे सुंदर ने मारा था? हाँ राजा जी, ये वही मगरमच्छ है जिसे सुंदर ने मारा था। ठीक है राजा जी, तो फिर इस दूसरे मगरमच्छ को किसने मारा? क्योंकि मेरे पोते ने तो सिर्फ एक ही मगरमच्छ को चोट पहुंचाई थी, इसका मतलब कोई दूसरा भी है जिसने मगरमच्छ को चोट पहुंचाई है। ये सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं क्योंकि विमला बिल्कुल ठीक कह रही थी, दोनों मगरमच्छ को चोट आई हुई थी, एक को बहुत ज्यादा जबकि दूसरे को एक हल्का निशान था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहीं सभी हैरान थे। तभी विमला ने अपना दिमाग लगाया और राजा से कहा, राजा जी, अब ये मगरमच्छ ही हमें बताएंगे कि उन्हें चोट किसने दी है। वो कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यह कहकर विमला कुछ मंत्र फूंकती है और उन दोनों मगरमच्छों की तरह फूंक मार देती है, जिससे वो दोनों मगरमच्छ बोलने लगते हैं।
विमला मगरमच्छों से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो जिस मगरमच्छ को ज्यादा चोट लगी होती है वो मीनाक्षी का नाम लेता है, और जिसे हल्की चोट होती है वो सुंदर का नाम लेता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि मगरमच्छ कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद विमला अपनी विद्या से मगरमच्छों को फिर से सामान्य कर देती है। ये देखकर राजा भी हैरान था। राजा ने विमला से कहा, ये तुमने कैसे किया? मगरमच्छ कैसे बोलने लगे? यह एक विद्या है जो मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी। इससे हम किसी भी जानवर के मन की बात जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो मीनाक्षी को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। इसके बाद वो विमला से कहते हैं, मेरी आज्ञा है कि तुम इस विद्या को अपने पोते को सिखाओ, जिससे वो हमारे महल का मंत्री बन सके और हमारे यहाँ काम कर सके। ये सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है, और इसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं। अब विमला अपने पोते सुंदर को भी ये विद्या सिखा रही थी, जिसकी वजह से वो लोग बच पाए थे। अगर विमला ने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया होता तो मीनाक्षी की जगह वो लोग सजा भुगत रहे होते। सोने की गाय। रात के अंधेरे में आसमान से एक आग का गोला अभियापुर गांव के बाहर गिरा, और इस गोले से एक सुनहरी सोने की गाय निकली। ऐसी सोने की गाय किसी ने कभी नहीं देखी होगी, और ये जादुई सोने की गाय किसी को ढूंढ रही थी, पर कौन? अहियापुर गांव में आलोक नाम का एक ग्वाला रहता था। आलोक के पास 100 गायें थी, और इन गायों के दूध का व्यापार करके आलोक गांव का सबसे रईस इंसान बन गया था। आलोक की पत्नी जया और बेटी निधि को भी अपनी गायों से बहुत प्यार था। पूरा परिवार गौ माता को बहुत प्रेम करता था। माँ देखो ना, ये बच्चा कितना सुंदर है। हाँ है तो, पर तू इसे इसकी माँ के पास छोड़ के आ जा, वो बेचारी अपने बच्चे को ढूंढ रही होगी। अरे माँ, मुझे थोड़ी देर तो इसके साथ खेलने दो। खेल ले, पर तू इसे इसकी माँ के पास ले जा, उस बेचारी को इसकी चिंता हो रही होगी। ठीक है पापा, जाती हूँ। आलोक के परिवार के पास बहुत पैसा था, पर फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा समय तबेले में गौ माता की सेवा में ही बिताते थे। आलोक का एक नौकर था रघु। रघु को आलोक का सारा धन चाहिए था। एक दिन ये सारी गाय और संपत्ति मेरी होगी। रघु, इन्हें पानी पिला। आया मालिक। रघु हमेशा सोचता रहता कि वो कैसे आलोक की सारी संपत्ति छीन सके, और एक दिन उसने षड्यंत्र रच ही दिया। वो एक सरकारी ऑफिसर के साथ तबेले में आया। ये कौन है रघु? मालिक, ये सरकारी ऑफिसर है पशु विभाग से। ये हमारी सारी गायों का निरीक्षण करके सरकार को रपट देंगे। ठीक है, जा इन्हें तबेला दिखा दे। रघु ने उस आदमी को सारी गायें दिखाई। उस आदमी ने कुछ लिखने का नाटक किया, और उसके बाद वो लोग आलोक के पास वापस लौटे। आपकी सारी गाय बहुत अच्छी है और तंदुरुस्त भी। जी, हम इनका ख्याल जो रखते हैं, अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तभी तो ये हमारा ख्याल रखेगी। मैंने रिपोर्ट लिख दी है, अब बस आप इन कागजों पर साइन कर दीजिए। ऑफिसर ने आलोक को ढेर सारे कागजों पर साइन करने के लिए कहा। आलोक पढ़ा लिखा नहीं था, उसे समझ नहीं आया कि वो किन कागजों पर साइन कर रहा है। इतने सारे कागज? अरे वो आपके पास इतनी सारी गाय है तो कागज भी ज्यादा होगी ना। ठीक है। आलोक ने एक एक करके सारे कागजों पर दस्तखत कर दिए, और फिर रघु उस ऑफिसर को लेकर चला गया। कुछ दिन बाद रघु तबेले में आया। आज से ये तबेला और यहाँ की सारी गायें मेरी हैं। क्या नाप शनाप बोल रहा है रघु? क्या ये देखो कागजात,
ये तो सरासर धोखेबाजी है। जो भी है, पर अब ये तबेला और सारी संपत्ति मेरी है। अब निकलो यहां से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा धोखेबाज। आलोक रघु पर हमला करने ही जा रहा था कि दो मुष्टंडों ने आलोक को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। पापा, पापा, छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो। मुष्टंडों ने आलोक को बहुत मारा और फिर आलोक, जया और निधि को तबेले से बाहर निकाल फेंका। आज से सब कुछ मेरा हुआ, बस मेरा। आलोक और उसके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था। वो दर बदर भटक रहे थे, काम और खाने की तलाश में। इसी बीच जया की तबीयत खराब हो गई। उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा था। मंदिर से प्रसाद लेकर वो जंगल की ओर चल पड़े। यहाँ आलोक और निधि ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। जया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पापा, हमें जल्दी से जल्दी माँ का इलाज करवाना होगा। हाँ बेटा, पता है, आज कहीं ना कहीं मुझे काम जरूर मिल जाएगा। तू माँ का ख्याल रखना, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है। आलोक शहर के गोदाम में काम की तलाश में पहुँचा। उसे दिहाड़ी वाला काम मिल गया। वो गेहूं की बोरियां ढोने लगा। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसे 200 रुपए मिले। पैसों से पहले आलोक ने कुछ दवाई खरीदी और फिर दाल चावल। यहाँ निधि ने मिट्टी से कुछ बर्तन बना लिए थे। ये ले बेटा, थोड़ा सा राशन लाया हूँ, और ये तेरी माँ की दवाइयाँ। जी पापा। निधि नदी से पानी भर लाई थी घड़े में। उसने पहले माँ को दवाई खिलाई और फिर खिचड़ी बनाने रख दी। ये मिट्टी के बर्तन कहाँ से आए? मैंने बनाया है पापा। अच्छा किया। निधि ने पहले अपनी बीमार माँ को खाना खिलाया और फिर बाप बेटी ने भी खाना खाया। कुछ दिनों तक आलोक दिहाड़ी पर काम करता रहा। अरे भाई सुनो, बगल वाले गांव में एक शादी है, 3 दिन का काम है, 3,000 रुपये मिलेंगे। तुम आओगे काम करने? 3,000? हाँ जरूर आऊंगा। तो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं हाईवे पर, वहीं से जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। आलोक घर आया और उसने ये बात निधि और जया को बताई। पैसे तो अच्छे हैं, पर तुम दोनों अकेले जंगल में कैसे रहोगी? पापा, हम रह लेंगे और मैं माँ का ख्याल भी रख लूंगी। आप जाइए, थोड़े पैसे आएंगे तो माँ का इलाज अच्छे से हो पाएगा। हाँ वही सोच रहा हूँ। अगली सुबह आलोक काम के लिए निकल गया। अब जंगल में निधि और जया अकेली ही थी। पूरा दिन निधि ने सारा काम किया और रात को माँ के साथ खाना खाकर सो गई। आधी रात को निधि की नींद एक आवाज से खुली। निधि, उठो निधि। वो सोने की गाय निधि के सामने खड़ी थी। सोने की गाय को देखकर निधि हैरान रह गई। ये सच है या सपना? निधि ने अपनी आंखें मीची। ये सच है निधि, मैं सच में जादुई गाय हूँ। लेकिन आप यहाँ मेरे पास क्यों आई हैं? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। उस वक्त निधि ने देखा कि आसमान से एक आग का गोला जमीन की ओर आ रहा है। वो शैतान है, वो धरती की सारी गायों को मार देगा, तुम्हें उसे रोकना होगा। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? तुम ही उसे रोक सकती हो निधि। तुम्हारे पूर्वज गायों के रक्षक थे, तुम्हारे शरीर में उनका महान रक्षकों का खून बहता है। लेकिन मैं उस राक्षस को कैसे रोकूंगी?
अपनी सारी गायों की मदद से। वो तुम्हारी बात सुनती है और तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगी। तुम्हें अपनी गायों को उस राक्षस से बचाना ही होगा निधि, वरना वो राक्षस तुम्हारी सारी गाय और बछड़ों को मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोने की गाय निधि को तबेले में ले गई। यहाँ तबेले में गायों ने पहले ही खतरा भांप लिया था। वो सब जोर जोर से चिल्ला रही थी। चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। निधि के साथ सोने की गाय भी वहाँ थी। निधि, मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे रही हूँ, उस राक्षस को मत छोड़ना। तभी निधि ने देखा कि वो भयंकर राक्षस तबेले में आ गया। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तुझे सबसे पहले खाऊंगा सोने की गाय। राक्षस सोने की गाय की ओर बढ़ ही रहा था कि निधि ने गायों को हमला करने का इशारा दिया। गायों ने राक्षस को दूर ले जाकर पटका। नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। राक्षस निधि की ओर बढ़ने लगा। तभी सुनहरी गाय ने राक्षस पर हमला किया। उसे छोड़ना मत, मारो उसे। निधि का आदेश सुनते ही गायें दौड़ पड़ी। सारी गायें राक्षस को यहाँ से वहाँ पटकने लगी। राक्षस बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं वापस आऊंगा बदला लेने। और वो घायल राक्षस गायब हो गया। तुमने कर दिखाया निधि, मुझे यकीन था कि तुम गायों की रक्षक बनोगी। अब जब तुमने मेरी मदद की है तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सुनहरी गाय ने अपना जादू दिखाया और निधि के सामने दो घड़े भरकर सोने की मोहरे आ गई। तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी निधि, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा खुश रहो। सोने की गाय ने निधि को आशीर्वाद दिया और फिर आग का गोला बनकर आसमान की ओर बढ़ गई। निधि जंगल लौटी और उसने माँ को सब कुछ बताया। उन पैसों से निधि ने सब कुछ खरीद लिया, बड़ा घर, माँ का इलाज भी करवा दिया और फिर निधि ने 200 गाय खरीदी और पहले से भी बड़ा तबेला बनवाया। सोने की गाय की वजह से एक बार फिर आलोक के परिवार की खुशियाँ लौट आई।